किसानों के दिल्ली कुछ के लिए बेकरार किसानों ने हरियाणा सरकार की सीमेंटेड बैरिकेटिंग तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी पोकलेन और जेसीबी मशीनें मांग ली है। वहीं गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि पंजाब सरकार उपद्रवियों से सख्ती से निपटे और उधर किसान भी आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं, इसलिए एक बार फिर हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा वालों के लिए नई ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। भारतीय किसान यूनियन के पैदल मार्च के कारण 21 फरवरी को यातायात को डाइवर्ट रहेगा। ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार भारतीय किसान यूनियन टिकेट गुट द्वारा विभिन्न स्थानों से ट्रैक्टर निजी वाहनों से आकर नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन पर एकत्रित होकर एक्सपोर्ट मार्ट गोल चक्कर, बड़ा गोल चक्कर, शारदा गोल चक्कर, LG गोल चक्कर से माउजर बियर गोल चक्कर तक तथा माउजर बियर गोल चक्कर से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया जाने का प्रस्तावित है। वहीं दिल्ली से गाजियाबाद आने जाने वाले यात्री अक्षरधाम होते हुए पुष्ता रोड के अलावा पहाड़गंज रोड का इस्तेमाल कर गाजियाबाद पहुंच सकते हैं और इसके अलावा आनंद विहार होते हुए अप्सरा बॉर्डर और चौधरी चरण सिंह मार्ग होते हुए गाजियाबाद पहुंच सकते हैं। किसानों के दिल्ली चलो ऐलान के बाद पुलिस भी सतर्क हो गई है और रूट को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। घर से निकलने से पहले एक बार ये एडवाइजरी जरूर पढ़ लें। और यूपी से दिल्ली की सीमा को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर को दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है और किसान के दिल्ली आने को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है और दिल्ली में दाखिल होने वाले रास्ते से लेकर एक गली तक पुलिस की पीसी नजर है। और वही गाजीपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी के बाद आज सुबह से ही लंबा जाम लगा हुआ है।